हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो ये आज का हमारा नया व्लॉग है और आज हम गए हैं टपकेश्वर मेले। और हालांकि अभी ये कोई शुरुआती मेला नहीं है, 2-3 दिन हो चुके हैं मेले को, तो आज हमें मौका मिला है मेला घूमने का। तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग बनाया जाए और आप लोगों को भी दिखाया जाए मेला किस प्रकार से लगा हुआ है। ये पहली बार है जब हम लोग टपकेश्वर मेले का इतना डीप वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले तक तो ऐसे कभी बनाया नहीं था, क्योंकि इस बार काफ़ी न्यू चीज़ें आई हुई है, तो मैंने कहा क्यों ना बना दिया जाए नया व्लॉग। तो इस बार देखिए, ये हैंग फॉर 120 सेकेंड विन 500 रुपीज़, ये जो चैलेंज था ना, ये बड़ा ज़बरदस्त था। इसे मैंने कहा मैं भी ट्राई करूँगा, लेकिन पहले मैं देखना चाह रहा था कि लोग इसको कर पाते हैं कि नहीं। जस्ट ट्राई मारने के लिए मैंने कहा हम भी लटक जाते हैं इसमें। लटकने में क्या, मेले आए हुए, मेले में थोड़ा बहुत इन्जॉय भी हो जाएगा और देख भी लेंगे इसमें अगर अपनी अंदर पावर कितनी है कितनी नहीं है करके। पहले मैंने ट्राई किया, इन लोगों को देखा पहले मैंने कितने लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पाए। वैसे कि मोस्ट ऑफ लोग 100 में से 1% ही कोई कर पा रहा होगा इसको, फिर भी मैंने बोला कि कुछ भी नहीं बोला मुझे कि ट्राई कर लो, तो मैं भी हो गया सवार लटक के। पहले दो बार तो मैंने ट्राई किया ग्रिप बनाने की कोशिश की, बट मेरे से हुआ नहीं। और ऑनर इसका जो बड़ा तीतर था, वो एक्चुअल में वो मान ही नहीं रहा था कि वो वगैरह की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है इसमें, आप पहले पैसे जमा कीजिए, उसके बाद आपको जैसे लटकना है जो लटकना है आप वो कर लीजिए। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है, पैसे आप रख लीजिए, और मैं हो गया सवार। और काफ़ी मुझे ऐसा लगा मैं घड़े की जो इसकी सेकेंड की सुई ना काफ़ी धीरे चल रही है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो कोई नहीं ट्राई मारते हैं। लटका मैं जैसे तैसे, अपना पावर तो पूरा दिखाया, बट ये है कि मेरा वेट इतना ज़्यादा था कि मुझसे तो नहीं हो पाया। हालांकि मैंने कोशिश पूरी की थी इसको करने की, और लास्ट में जो आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा ऊपर में जो ग्रिप नहीं बन रहे थे वो घूम रहा था अभी इससे ना, तो मैंने कहा ये इतने ज़्यादा घूम रहा है हवा नहीं पाएगा। तो जितना हो सकता था मैंने उतना देर लटकने की कोशिश की। हालांकि 40 सेकेंड के लगभग मैं लटका था उसमें, बट मुझसे हो नहीं पाया ये। उसके बाद किस्मत आजमाने के लिए हम आए थे यहाँ पर रिंग वाले गेम में, और रिंग वाले गेम में आज इस बार तो बड़ा मज़ा आ गया। इस बार मैंने, आप लोग खुद देख सकते हो, ये देखो इस तरीके से, इस बार फर्स्ट टाइम, मतलब मेले में जब भी मैं जाता हूँ पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं कुछ चीज़ जीत के आया हूँ, और काफ़ी मज़ा आया। इसमें इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, जितना कम दिमाग लगाओगे उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं जीतने के। तो पहली बार मैं कुछ जीता और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और उसके बाद मैं, जो मेरा विनिंग चीज़ थी, मतलब फ्रूटी में जीता था, मैंने कहा यार फ्रूटी तो मुझे दे ही दो। हालांकि मैं इसके बदले खेल सकता था, बट मेरा ये पहली बार मैं कुछ जीता था तो मैंने ये ले लिया, और ये मिस्टी का ही काम आ गया कि मिस्टी अब मेले में घूमते घूमते जूस भी पिएगी साथ साथ। और मेले में आए हैं तो आप भोले बाबा के भक्त हैं और टपकेश्वर मेले में आए हैं, तो आपको ये चीज़ ज़रूर दिखाई देगी, भांग जो कि भांग के पकौड़े ही मिलेंगे आपको, और भंगोटा भी ये लोग देते हैं, काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। और साथ में ये छोटा मोटा हुक्का बार भी खोला हुआ था मौलाना जी की तरफ से, और पान जो हर मेले की शान है वो पान आपको यहाँ ज़रूर मिलेगी। और जिस तरीके से आप लोग देखते हैं मेले में काफ़ी भीड़ थी, हम लोग भी रात के टाइम पे गए हुए थे, तो हम लोग काफ़ी छोटा मोटा इन्जॉय करते थे, क्योंकि भाभी और खुशबू का मन था कि ये झूला झूलेंगे, तो हम लोगों ने बोला जब थोड़ी भीड़ छट जाएगी उसके बाद हम लोग जाएंगे, हम तो इसलिए हम लोग शाम को गए हुए थे। और आप लोग मेले में झूले ना आए तो मेला का मज़ा ही किरकिरा हो जाएगा। तो आप लोग देखते तरह तरह के झूले लगे हुए, बड़ों के लिए अलग, छोटों के लिए अलग, और हर तरीके से यहाँ पर झूले लगे हुए हैं। और तो यहाँ पर मेरा बेटा भी काफ़ी बीच बीच में रैप मार रहा है, आप लोगों को सुनाई दे ही रहा होगा, तो इसको इग्नोर करना, ज़्यादा माइंड मत करना, वो मेरे से ही मुझे ज़्यादा बोलने नहीं देता है। तो हम लोग यहाँ अभी झूला झूलने के लिए, मैंने तो ट्राई नहीं करना था, तो मैंने खुद को और भाभी से ही बोला था एक एक करके ट्राई आप लोग कर लेना, पहले हम मिस्टी को झूला झूला देंगे उसके बाद तुम लोगों की बारी आएगी। हालांकि आप लोग देख सकते हैं हम दोनों बच्चों को भी साथ में लेकर आए हुए हैं, अपने राधे को और युवान को। तो मेले में एक नई चीज़ देखने को मिली मुझे इस बार, जो हम लोग चिप्स मार्केट में लेते हैं उसी तरीके से कुछ चिप्स था यहाँ पर। इसका नाम तो आई थिंक मुझे इतना आइडिया नहीं है क्या था, बट काफ़ी बढ़िया लग रहा था ये देखने को, और काफ़ी रेट इसका काफ़ी हाई था। जो मार्केट में चिप्स मिलते हैं ना, अगर आप लेस लेते हैं या कुछ भी, वो भी 20 रुपये के मिलते हैं, बट ये तो 70 रुपीज़ के दे रहा था। लेकिन लोगों ने, हम लोगों ने ट्राई करने के लिए इसको ज़रूर खाया। और उसके बाद हम लोगों ने मिस्टी को बैठाया झूले पर, जैसा कि मिस्टी इसी लालच में आई थी कि ये मेले में झूले में झूलेगी, और बच्चों के लिए तो खास मेला बच्चों के लिए ही होता है, तो मेरे लिए भी अभी देखो अगले नेक्स्ट ईयर में बच्चे बड़े हो जाने हैं दोनों, तो इनको भी फिर झूला झूलाने लेके जाना पड़ेगा। तो फिलहाल इसकी दीदी झूला झूल रही है, और उसके बाद दूसरे झूले में हम लोग इनको लेके गए,
ये तो बच्चों को बस दिखना चाहिए पहले पे, बच्चे इसके चक्कर में पागल हो जाते हैं कि भाई इसमें जाना है तो जाना, तो मिस्टी तो कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, और मिस्टी इतना खुश हो गई थी कि मिस्टी ऊपर जा ही नहीं रही थी, बस यहीं इंजॉय कर रही थी। इसको कितना मैंने बोला कि तुम ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, बट ये गई नहीं। और इसको हम लोग यहाँ पर छोड़ के उसके बाद हम खुद चले गए थे झूला झूलने के लिए। मैं तो झूला झूलता नहीं हूँ, तो मैंने कहा मेरादे को मुझे दे दो और तुम इन्जॉय करो। और खुशबू गई सबसे पहले ये नाव वाले झूले पे, और ये इसका फेवरेट भी है, सबसे ज़्यादा फेवरेट ये इसी को ही बोलते हैं। बट मुझे काफ़ी बुरा लग रहा था क्योंकि ये अकेले जा रही थी और मैं नहीं चाहता था कि ये अकेले जाए, लेकिन मुझे मैं क्या करता, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, मुझे खुद डर लगती है झूलों को देख के। तो मैंने कहा यार अब तुम्हें अकेले ही इंजॉय करना पड़ेगा, तो बेचारी अकेले ही बैठ गई थी। तो मैंने कहा तुम टेंशन ना लो, मैं वीडियो बनाऊँगा तुम्हारी, तुम बस इंजॉय करो। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने थोड़ा जूम किया हुआ है खुशबू किस तरीके से आगे बैठी हुई है, बेचारे अकेले एंजॉय कर रही है, और काफ़ी लोग तो है झूले में बट बेचारे अकेले थे ना, तो मुझे भी थोड़ा बुरा लगा। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम मैं जरूर ट्राई करने की कोशिश करूंगा, एक महीना पहले प्रैक्टिस करके रखूंगा, और तो मैं पिछली नेक्स्ट टाइम तो मैं निराश नहीं होने दूंगा। लेकिन मैं नीचे ही खड़ा हुआ था, उसको उसका इंतजार कर रहा था कि जैसे ही वो झूल के आएगी तो मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। तो मैंने उसको काफ़ी पूछा कैसा लगा, तो काफ़ी खुश थी, और इसको देख के भी लग रहा था कि काफ़ी मज़ा आया। और उसके बाद की हम लोगों ने ऊँट की सवारी, और ऊँट की सवारी में बैठी हुई थी भाभी, युआन और मिस्टी। मिस्टी का काफ़ी मन था, तो हमने कहा मिस्टी तो अकेली नहीं बैठेगी, तो हमने बोला भाभी आपको बैठना ही पड़ेगा, और जब आप बैठोगे तो युआन की भी पहली सवारी हो जाएगी ऊँट में। और मैंने खुशबू को भी बोला भाई खुशबू बैठ जाए, बट खुशबू नहीं मानी, खुशबू बोल रही मैं किसी जानवर के ऊपर नहीं बैठूंगी। हालांकि ये मैंने कहा ये तुम बैठोगी तभी वो खाना खा पाएंगे, क्योंकि तुम जो पैसे दोगे उसी से उसका पेट भरता है, ये मेरे डायलॉग थे, डायलॉग तो क्या रियलिटी यही है। बट खुशबू नहीं मानी, और भाभी लोग जो बैठ गए थे इसमें, और तो मेरा भी काफ़ी मन था इसमें बैठने का, खुशबू नहीं बैठी, तो मैंने कहा मैं अकेले क्या बैठूँ, तो मैं भी नहीं बैठा। हालांकि भाभी लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, और मिस्टी का तो बहुत ज़्यादा मन था, और हालांकि बच्चों का बहुत ज़्यादा मन रहता ही है इन सब चीज़ों में। तो आप लोग देख सकते हैं मोस्ट ऑफ बच्चे ही बैठे हुए हैं, तो एक राउंड मार के भाभी लोग आ चुके थे वापस, हम लोगों ने ही खड़े खड़े उनका इंतजार किया। हालांकि बहुत लंबा राउंड नहीं होता है, पर जितना भी होता है काफी मजेदार होता है, मैंने ट्राई किया हुआ है पहले। ऊँट की सवारी करने के बाद मेले में कुछ नई नई तरीके की चीजें हमें दिखाई दी, जैसे कि ये कुल्लड़ पिज्जा। हालांकि ये कुल्लड़ पिज्जा पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में सुना हुआ है, खुशबू ने तो हालांकि खाया भी हुआ, मैंने तो फर्स्ट टाइम ट्राई किया और काफ़ी टेस्टी लगा मुझे ये। और साथ में हम लोगों ने ये अमेरिकन कॉर्न यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं काफ़ी स्वीट सा हो रहा था ये भी। और उसके बाद हम लोग गए थे इस भूत बंगले में मिस्टी के जीत से, और हालांकि ये भी मेरा फेवरेट स्पॉट है, मैं हर साल कोई मेरे साथ आए या ना आए लेकिन ऐसा तो नहीं है, मैं एक ना एक को जरूर लेके जाता हूँ, अकेले मेरे बस की भी नहीं है ये। तो ऐसा मिस्टी का बड़ा मन था कि वो जाएगी इसमें, तो मैंने कहा चलो मुझे एक पार्टनर मिल गया है जाने के लिए, तो मिस्टी और मेरा प्लान हो गया अंदर जाने का। और उसके बाद देखिए देख लीजिए क्या हुआ, मिस्टी फिसड्डी, मिस्टी की तो हालत खराब हो गई इसको देखते ही। मैंने कहा इसको लेके जाओ यहाँ से, मैंने खाले का नाटक कर रहे थे कि मैं अंदर जाऊंगी, जिद कर रही थी बेफालतू में। तो मेले में अलग अलग तरीके के झूले आए हुए थे, खासकर बच्चों के लिए तो बहुत सारी किस्मों के झूले थे। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर ट्राई किया गन फायर करके, आप लोगों को माचिस की डिबिया गिरानी होती है, तो ये तो मुझसे तो आज तक कभी ये हुआ नहीं, क्योंकि इसमें जो आगे ये जो ट्रिगर में वो ट्रिगर के दबाने पे आपको ये जो हल्की सी लकड़ी होती है ना वो उड़ जाती है, तो ये कभी मुझसे हुआ नहीं। लेकिन खुशबू और भाभी लोगों का इस बार मन था कि ये लोग खेलेंगे, तो मैंने कहा तुम लोग इन्जॉय करो, देखते हैं अगर आप लोगों से कुछ हो पाता है। तो फिर आई खुशबू की बारी, और खुशबू ने चमत्कार करके दिखाया, खुशबू ने इस बार माचिस की डिबिया को हिला के दिखा दिया, और उसका तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, उसको यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने मुझसे ये हो चुका है करके, और काफ़ी खुश थी। हालांकि ये तो किमे ही हुआ था, कोई इसकी कोई इतनी बड़ी वो नहीं है निशानेबाजी लेकिन काफ़ी मज़ा आया इस बार इसको, बड़ा मतलब मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी से कुछ मतलब कि माचिस की डिबिया हिल गई थी। तो खुशबू को प्राइज़ में मिला आपका कोको कोला, और काफ़ी बढ़िया लगा, खुशबू काफ़ी खुश थी जीत के। उसके बाद मेले में मिस्टी को मिल गया था मिस्टी का दोस्त, और ये दोनों जंपिंग आई थिंक यही बोलते हैं, जंपिंग में जंप कर रहे थे और काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे दोनों।
तो अब हम आ चुके हैं मेले के आखिरी पड़ाव पे, जहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे लोहे के बर्तन और लोहे से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ मिलेंगी, तरह तरह चीज़ें की, जैसे कि मोस्ट ऑफ तो जो बिकती है कढ़ाई बिकती है लोहे की, और जो कि आप लोगों को दिखाई दे भी रही होगी यहाँ पर। तो ये आखिरी पड़ाव था क्योंकि यहाँ के बाद से मेला ख़त्म हो जाता है। तो आप लोगों को कैसा अगर लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। तो एक अच्छे नोट पे वीडियो को एंड करते हैं, आप लोग भी भोले बाबा के दर्शन कर लीजिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।